शुक्रवार देर रात मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली। अपनों की तलाश में लोग अभी भी जुटे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़ चुके हैं। मौजूदा हालात क्या हैं मोरक्को के, ये हम बताएंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मोरक्को में शुक्रवार की रात वहां के लोगों के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुई। इस भूकंप में अब तक 2012 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2059 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी है, जिनमें से 1404 लोगों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। मोरक्को की सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। उन्होंने पीड़ितों को खाना, आवास और दूसरी मदद देने का आदेश भी दिए हैं। वहीं मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक शुक्रवार रात आए भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, जो इस इलाके में 120 साल में आया सबसे ताकतवर भूकंप माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक इस भूकंप की वजह से 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मोरक्को की मीडिया की माने तो भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई हैं। भूकंप का एपिसेंटर एटलस पर्वत के पास एगिल नाम का गांव बताया गया है, जो माराकेश शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप की गहराई जमीन से 18.5 किलोमीटर नीचे थी। वहीं पुर्तगाल और अल्जीरिया तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप में यूनेस्को की विश्व धरोहर लाल दीवारों के कुछ हिस्से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं शहर की एक मस्जिद का मीनारा भी ढह गया है। ये मस्जिद यूनेस्को की हेरिटेज साइट थी, जिसकी तस्वीरें भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं G20 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मोरक्को में आए भूकंप पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, हम इस दुख की घड़ी में मोरक्को के साथ हैं, हम हर संभव मदद देने की तैयारी में भी हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी मोरक्को को हर संभव मदद देने की बात कही है। फरवरी 2023 में इससे भी ज्यादा खतरनाक भूकंप को झेल चुके तुर्की ने भी 1000 टेंट्स और 200 से ज्यादा एड वर्कर भेजने का वादा किया है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thegbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।